होता है, सलेबा जो है ना सिक्रीशन है सलेबरी ग्लैंड का, इसका अमाउंट कितना होता है? रोजाना करीब 800 से 1500 ml जो है ना हम लोग सलेबा रोज निकालते हैं, रोज निकलता है आपके लार से रोज निकलता है। अब रेट ऑफ सिक्रीशन क्या होता है इसका? ये जो सलेबा का सिक्रीशन होता है वो रोजाना करीब 0.5 से 4 ml होता है पर मिनट में, प्लस टाइम ऑफ सिक्रीशन इसका क्या होता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग का जो है ना हर मिनट करीब 0.5 से 4 ml जो है ना वो सलाइबा निकलता है हमारे सलाइबरी ग्लैंड से। और इसमें हम लिखे हैं कि आपका टाइम ऑफ सिक्रीशन क्या है। देखो हमेशा निकलता रहता है सलाइबा, ठीक है, लेकिन मिनिमम तब होता है या कम से कम तब होता है जब हम क्या होता है रात में सोने जाते हैं या सोए हुए होते हैं। जिस समय हम सोए हुए रहते हैं उस समय हमें सबसे कम मात्रा में सलाइबा निकलता है। फिर यहां पर लिख रहे हैं कि जो सलाइबरी ग्लैंड्स है वो सबके सब सलाइबरी ग्लैंड्स एक साथ काम नहीं करते, मतलब कि एक हमेशा सिक्रीशन नहीं निकालते रहते। जैसे सबलिंगुअल जो ग्लैंड है जो आपका जीभ के नीचे पाया जा रहा था, दो था संख्या में, ये आपका हमेशा काम करता रहता है, हमेशा इससे सिक्रीशन निकलता रहता है। जबकि पैरोटिड और सब मैक्यूलरी जो ग्लैंड होता है उसका सिक्रीशन हमेशा स्टिमुलेशन के बाद ही होता है। जब आपको जरूरत पड़ता है, जब आप स्टिमुलेट करते हो उसको, तभी जो है ना उसमें से सिक्रीशन बाहर आता है। किसका बाबू? सब लिंगुअल ग्लैंड का। हमेशा होता है लेकिन पैरोटिड और सब मैक्यूलरी ग्लैंड का जब जरूरत है तब निकलता है। ध्यान रखना है सब लिंगुअल ग्लैंड का सिक्रीशन हमेशा होता रहता है, लेकिन पैरोटिड और आपका जो सब मैक्यूलरी ग्लैंड है उसका सिक्रीशन जरूरत पड़ने पर ही होता है, या आप भोजन वगैरह करते हो तभी होता है। अब है स्टिमुलाई फॉर सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन के लिए क्या क्या स्टिमुलाई है, हाँ, या स्टिमुलस है। स्टिमुलस शायद आप लोग जानते होंगे, चेंज इन एनवायरनमेंट, वातावरण में परिवर्तन, जो आपके सेंस सेल्स या सेंस ऑर्गन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। यहाँ पर जो सलाइवा सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस होता है वो आपका पहला है, सबसे बड़ी जो सबसे प्रमुख है वो है वाटर की मात्रा, किसमें? भोजन में। वाटर की मात्रा जो है ना कितनी है या क्या है ये निर्भर, इस पर निर्भर करता है कि सलाइवा का सिक्रीशन आपका होगा कि नहीं होगा और कितना होगा। अगर आपका भोजन सूखा हुआ हो, आपका भोजन जो है ना वो अगर आपका सूखा हुआ हो मतलब उसमें पानी की मात्रा कम हो, और या फिर उसमें पानी है ही नहीं, या तो एकदम सूखा हुआ हो या उसमें वाटर नहीं हो, तब क्या होता है ये आपका सिक्रीशन इसका बढ़ जाता है। जैसे आप चना खा रहे हो, सूखा हुआ चना खा रहे हो, तब सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होगा उसके बनिस्पत में जब हम भींगा हुआ चना या फूला हुआ चना खा रहे हैं। दोनों चना ही है लेकिन ज्यादा जो है ना सलाइवा कब निकलेगा भाई? जब हमारा भोजन एकदम सूखा हुआ होगा। जैसे चना में आपको अभी हम एग्जाम्पल दिए कि चना जो है वो जब सूखा हुआ चना खा रहे हैं भून के या कच्चा, तो उस समय जो है ना सलाइवा क्या होगा? ज्यादा होगा, आएगा। किसके तुलना में? उसके तुलना में जो हम आपका फुलाकर चना को खा रहे हैं या कच्चा चना को खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हम जो करते वो बात आपका है कि ये जो आपका स्टिमुलस है उसमें और क्या क्या होता है। तो और जो स्टिमुलस होता है वो आपका भोजन का साइट होता है, मतलब भोजन का देखना, ठीक है। भोजन अगर आप देख लेते हो या भोजन करते हो तब का बात तो छोड़ ही दो, आप केवल क्या करते हो, भोजन को देख लेते हो। जैसे जा रहे थे कहीं, कोई भोजन कर रहा था तो आपके मुंह में क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है, मतलब सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो शुरू हो जाता है। तो सलाइवा का सिक्रीशन जो है
वो किस किस पर निर्भर करता है? तो पहला आपको बात बताए थे कि आपके भोजन में पानी है कि नहीं है। अगर पानी है तो सलाइवा कम निकलेगा, अगर पानी कम है तो थोड़ा सलाइवा की मात्रा बढ़ जाएगा, और अगर सूखा हुआ भोजन है तब सलाइवा का मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगा सिक्रीशन में। प्लस अगर हम भोजन को कहीं देखते हैं, कोई भोजन कर रहा था और हम देख रहे हैं या कोई देख रहा है, तो उसमें क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। या भोजन का सुगंध आया, आप अपने घर में बैठे हुए हो या आप कहीं पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, और बगल के मकान या बगल के रूम से आपको अस्मेल आ रहा है कोई भोजन का, तो आपके मन आपका जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है वो सिक्रीशन शुरू कर देंगे, और आपका क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। मेनली ये जो सलाइवा निकलेगा पैरोटिड से निकलेगा और सब मैक्यूलरी से निकलेगा, जब भोजन को हम देखते हैं या भोजन को सूंघते हैं या भोजन का जो है ना बात करते हैं। जैसे अभी हम इमली का बात करें, अगर अभी हम जो है ना जलेबी का बात करें, जलेबी जो है ना ऐसा कुछ है, हाँ उसमें ऐसा होता है, तो ये अगर बात करना शुरू कर दें। और एक बात और ध्यान रखना है, ये उसी के लिए है जो कंडीशन रिफ्लेक्स है, मतलब जो जलेबी के बारे में जाना है, जो जलेबी के बारे में नहीं जानते उनको जलेबी के नाम से पानी नहीं आने वाला है, उनको सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होने वाला है। सलाइवा का सिक्रीशन उन्हीं का होगा या उन्हीं को होगा जो जो क्या करेंगे, जो आपका उसको एक बार उस भोजन को खा चुके हैं या उस भोजन को जानते हैं। अब अगर हम इंग्लैंड चले जाएं और इंग्लैंड में जाकर बोले इमली, तो लोग कैसे समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि वो इमली नहीं जानता। हाँ टैमरिंडस बोलेंगे तब वो जानेगा। तो एक तो कि आपका सिलेबिक लैंग्वेज हो, मतलब समझने वाला बात हो, और दूसरा इस पर निर्भर होता है कि वो जो आपका है जिसके जिससे हम बात कर रहे हैं किसी भोजन के बारे में, उसके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा कि वो कभी खाया है कि नहीं खाया है, उसको जानता है कि नहीं जानता है। अगर जो है ना हम कभी जलेबी खाए ही नहीं हो, तो फिर जलेबी का स्वाद थोड़ी हमको मालूम है। आप लाख जलेबी का बात करते रहो हमारे बगल में बैठ के, हमारे मुंह में पानी नहीं आने वाला है। हाँ आपको हम पहले बताए होंगे कई बार कि इंग्लैंड में जो ना भारत से गया था, वो आपका अपने काम में बढ़ी थे, वो जब वो आ गए तो उनको जो है ना समझ में नहीं आया, कोई काम उनको खास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो आपका क्या था पूरी तरह से आपका वो जो है ट्रेंड नहीं थे। हाँ उतना ज्यादा बढ़िया से उनके पास स्किल नहीं था कि वो जाके इंग्लैंड में क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि वहां पर सारा का सारा काम, अधिकांश काम जो होता है मशीनों के द्वारा होता है, तो बेचारे को दिक्कत होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जलेबी बेचते थे, वो जलेबी बेचना शुरू कर दिया, और जलेबी का जो है ना, जब जलेबी भी कोई लोग नहीं खाने लगा तो उसका नाम बदल दिया, सर्किल ओवर सर्किल करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और जब लोग एक बार उनका जलेबी खाना शुरू कर दिए तो उसका टेस्ट सबको अच्छा लगने लगा, और आज वहां पर जलेबी का जो है ना वो दुकान चलता है। आप सुने होंगे यूरोप में करी क्वीन के नाम से एक भारतीय महिला जो है ना, वो आपका क्या फेमस है, आपका पंजाब हरियाणा की रहने वाली महिला जिसका शादी जो है ना एनआरआई से हुआ था। हाँ बेचारी गांव की रहने वाली थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जब वो इंग्लैंड गई या यूरोप गई सॉरी, तो गई तो वहां पर बेचारी को जो है ना खाली समय बैठा बैठा रहना पड़ता था, क्योंकि वो कुछ और जानती नहीं थी, बेचारी गांव की थी और शहर में रहना जरा थोड़ा सा मुश्किल काम था उनके लिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ काम किया जाए, कुछ कमाया जाए, ताकि हमारे पति जो हैं उनके उनको कुछ आर्थिक लाभ भी हो या आर्थिक रूप से सबल भी मिले उनको, और हम भी जो है ना बैठे न रहें। तो गांव में क्या होता था, क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर दूध दही का काम ज्यादा होता है, लोग जनरली जो है ना वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आपका दूध का आइटम ज्यादा पसंद करते हैं या बनाते हैं, तो वहां पर कढ़ी खूब बनता है। तो उन्होंने क्या किया, कड़ी का व्यवसाय शुरू कर दिया, कड़ी बनाना शुरू कर दिया और लोगों को बांटना शुरू कर दिया, अड़ोस पड़ोस को खिलाया शुरुआत में। तो कड़ी जो है शुरुआत में लोगों को कुछ अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे जो है ना वो लोग इनको ऑर्डर देने लगे कि आपको कुछ पैसा देते हैं, आपको कुछ है ना मटेरियल्स देते हैं, आप क्या करो बना के हमको दो। तो इन्होंने क्या किया, बना बना कर लोगों को घर में पहुंचाना शुरू किया, अर्थात कंडीशन रिफ्लेक्स शुरू किया। कंडीशन मतलब पहले उसको खिलाया, आदत लगाया, उसके बाद उनका स्थिति क्या हुआ कि आज वो कड़ी क्वीन के नाम से अपना पेटेंट करवा चुकी हैं,
और पूरे के पूरे यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी आपका रेस्टोरेंट होगा, जहां भी कढ़ी बनेगा वहां पर उस जब कढ़ी बनेगा तो उसका जो आपका रॉयलिटी है वो उनको मिलता है, ये संभव है। तो ये जो है आपका सेलाइवा का जो सिक्रीशन है वो कंडीशन रिफ्लेक्स पर निर्भर करता है। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब है कि उस भोजन के बारे में कभी हम देखे हैं कि नहीं देखे, बात की कर रहे हैं अगर उसके बारे में, या हम देख रहे हैं उसको, तो उसको कभी चखे हैं कि नहीं चखे, उसका स्वाद लिए कि नहीं लिए हैं। तो जब तक नहीं खाएंगे तब तक ये सलाइवा का जो है सिक्रीशन, ना तो बात करने से, ना सूंघने से भोजन को, ना आपका जो है देखने से होने वाला है। खैर हम आगे बढ़ रहे थे। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर सलाइवरी सिक्रीशन इज प्रेजेंस ऑफ सिट्रस फ्रूट इन द माउथ कैविटी, है ना। सबसे ज्यादा जो है ना स्टिमुलस जो माना जाता है सलाइवा सिक्रीशन को एक्टिवेट करने वाला, सबसे बढ़िया जो स्टिमुलस माना जाता है वो माना जाता है भोजन का देखना। भोजन को देखने के लिए जो है भोजन, ये तो आपको बोले ही, लेकिन दूसरा जो चीज बता रहे हैं कि जो सबसे मजबूत माना जाता है वो है कि आपका भोजन में सिट्रस आपका फ्रूट हो। सिट्रस मतलब समझ रहे हो ना, सिट्रस मतलब खट्टा, मतलब एसिडिक फूड हो। अगर भोजन में एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप टैमरिंड खाते हो है ना, या फिर आप जो है ना क्या करते हो खट्टे फलों को खाते हो, नींबू वगैरह है या संतरा वगैरह है, तो आपका क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन आप में बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सिक्रीशन बढ़ने का कारण में एक और है, वो क्या है, सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ने का कारण में एक है, वो है सिट्रस फ्रूट का माउथ में पाया जाना, खट्टे फलों का खाना। इसलिए कहा जाता है कि सलाद लो, और खाना जब भी खाओ सलाद लो, और सलाद में कोशिश करो कि नींबू जरूर हो, नींबू डाला जाए, ताकि क्या हो, सलाइवा ठीक से निकले। ढेर सारे लोगों को अभी समस्या होने लगा है कि उनका सलाइवा ठीक से नहीं आता है, सलाइवा बराबर नहीं आता है, या सलाइवा ज्यादा आता है। सलाइवा ज्यादा आने का दो तीन चार कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कि छोटी आंत में इन्फेक्शन हो गया हो। आपके आंत में अगर बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ जाता है तब भी आपका क्या होता है, सलाइवा ज्यादा आने लगता है। ठीक है, खैर हम यहां पर आ रहे थे कंट्रोल ऑफ क्या, सलाइवरी सिक्रीशन। जो आपका सलाइवा का जो सिक्रीशन है उसका कंट्रोल का बात कर रहे थे। सलाइवा का जो सिक्रीशन है उसका जो कंट्रोल जो होता है वो आपका पारासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। कल भी आपको हम बताए थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जो आपको क्या करता है, आपके मन से काम नहीं करता है, मतलब स्वतंत्र रूप में काम करता है, नर्वस सिस्टम का वो भाग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और कल भी आपको हम बताए थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, एक पारासिंपैथेटिक और दूसरा सिंपैथेटिक। ये जो पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका सोलेस देता है, शांति करता है, आराम देता है, और ये समानता तब काम करता है जब आपका पेट भरा हुआ हो। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो तब काम करता है जब आपका पेट समानता खाली हो, तो बहुत तेजी से काम करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए कंडीशन कल हम बताए थे, डर जाना है ना, फियर होना या गुस्सा हो जाना, एंगर, इसमें आपका जो है ना आपका काम ये शुरू करता है। कौन सा काम शुरू करता है भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो खैर जो पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जो कि आपका फियर और एंगर पे काम करता है, ये सलाइवरी सिक्रीशन को क्या करता है, रोक देता है। इसलिए कल भी हम बता रहे थे आपको, बोले थे, आज फिर बोल देते हैं कि बार बार अगर गुस्सा करते हो तो दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि अपने लिए हानिकारक है, आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगेगा, सिलाइवा ही कम निकलेगा, और सिलाइवा जब कम निकलेगा तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है ना ऊपर से ही रुकना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बात कर रहे थे पीएच ऑफ सिलाइवा। इसलिए जो लोग, आप जिनसे भी बात करो, मनोवैज्ञानिक से बात करो, मनोचिकित्सक से बात करो, पुराने लोगों से बात करो, तो आप बोलेंगे वो आपको कि स्वस्थ और लंबे समय तक जीने का क्या है राज, तो बताएंगे खुश रहना। ठीक है, वो बताएंगे मुस्कुराते रहना, और जब भी परेशानी आए, जब भी संकट आए, तो उसको क्या करना, हंस के जो है ना आपका उसको झेलना, ये आपका
क्या है, लंबा समय तक, लंबे समय तक स्वस्थ रूप में जीवित रहने का राज है, या एक जो है ना आपका की है। अब आते हैं पीएच ऑफ सेलाइवा। जो सेलाइवा का पीएच मान होता है वो 6.65 होता है, मतलब ये एसिडिक होता है, और एसिडिक भी बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सेलाइवा के बारे में। नेक्स्ट जो बात करें वो आपका है स्टिमुलस ऑफ फूड, जो कि आपका क्या करता है, इसमें आपका मदद करता है सलाइवा के सिक्रीशन में। स्टिमुलस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो आपका स्टिमुलस है सलाइवा के सिक्रीशन के लिए उसका बात कर रहे थे, वो सलाइवा के सिक्रीशन के लिए जो स्टिमुलस है वो आपका दो हो सकता है, कीमो रिसेप्टर और प्रेसो रिसेप्टर हो सकता है। ये कीमो रिसेप्टर क्या होता है, चखने से केमिकल जाए तब हो सकता है, या सूंघने से ये केमिकल जाए तब हो सकता है, और दूसरा है प्रेसो रिसेप्टर। प्रेसो रिसेप्टर का मतलब होता है दबाव, प्रेस पड़े, है ना, तो ये कब हो सकता है, तो आपके आपके भोजन जो है उससे दो प्रकार का जो है ना रिसेप्टर आपका बॉडी गेन करता है और सलाइवा का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एक है कीमो रिसेप्टर, मतलब गंध के रूप में केमिकल जा सकता है ना, वो आपका क्या बोलते हैं एयर के रूप में, या फिर जो है ना आपका प्रेसो रिसेप्टर, मतलब भोजन को आप अगर डाल देते हो मुंह में और उसमें कोई टेस्ट नहीं आया, तब भी अगर भोजन जाता है आपके बकल कैविटी में और दबाव महसूस होता है वहां पर, तो क्या होता है, ब्रेन को खबर पहुंचता है कि भैया भोजन मुंह में आ चुका है। तो जैसे ही मालूम होता है ब्रेन को कि भोजन आ चुका है, किसके मदद से, तो जो डिफरेंट माउथ में ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जीभ है, ठीक है, आपका टंग हो गया, और तो साइड के जो आपके हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जो आपके कुछ सेल्स हैं, वो सब यहां से संकेत भेजते हैं दबाव के कारण। तालू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैलेट, ये सारे के सारे जो है ना संकेत भेजते हैं किसको, मस्तिष्क को, कि कुछ जो है ना आ चुका है बकल कैविटी में, और इसको कहते हैं प्रेसो रिसेप्टर। तो प्रेसो रिसेप्टर क्या है, भोजन का जब बकल कैविटी में भोजन आ जाते हैं तो उनके द्वारा जो दबाव लगाया जाता है, जो आपका दाब डाला जाता है, किस पे, जीभ पे, बकल कैविटी के दीवार पे, या आपका पैलेट पे, उसको यहां पर बोल रहे हैं प्रेसो रिसेप्टर। प्रेसो आपका स्टिमुलस, और इसको जो रिसेप्ट करेगा उसको बोलेंगे प्रेसो रिसेप्टर। ये मैकेनिकल स्टिमुलस का एक टाइप है, मैकेनिकल स्टिमुलस है। अगला बात करते हैं कि जो सैलिवरी न्यूक्लियाई है, सैलिवरी न्यूक्लियाई एक खास रचना है, ये सैलिवरी न्यूक्लियाई, ये जो सैलिवरी न्यूक्लियाई है ये आपके पाया जाता है ब्रेन स्टेम में, ये ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, और ये करता क्या है, आपके सैलिवेशन के लिए, मतलब सलाइवा के रिलीज के लिए सेंटर का काम करता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम हम लोग, आप लोग तो थोड़ा लेट जुड़े हो, तो ये क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना था हम लोग को ब्रेन स्टेम। आपके ब्रेन का पॉन्स और मेडुला, इन दोनों को एक साथ, पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गाटा जो है, पॉन्स और मेडुला को हम लोग एक साथ कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो इसमें क्या होता है, आपका कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिसको बोलते हैं सैलिवेट्री न्यूक्लियाई। ये जो सैलिवेट्री न्यूक्लियाई है या सैलिवरी न्यूक्लियाई है, ये जो सैलिवेट्री न्यूक्लियाई होता है वो आपका सैलिवेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहां पर लिख रहे हैं अगला पॉइंट में, नोट में, कि ये जो तीन मेजर सैलिवरी ग्लैंड हम लोग देखे, जिसको एक्सट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक इसलिए कह रहे हैं कि बकल कैविटी के दीवार के बाहर है। आप देख लो, जिसको भी देख लो, बकल कैविटी जो है ना उसके दीवार के बाहर है, इसलिए इसको एक्सट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड बोल रहे हैं, और मेजर बोल रहे हैं, बड़ा है, जैसे पैरोटिड है, और कौन है भाई, सब लिंगुअल है, ठीक है, पैरोटिड हो गया, सब लिंगुअल हो गया, और तो और सब मैंडिबुलर हो गया। तो ये तीनों जो हैं, इनको कहते हैं मेजर सैलिवरी ग्लैंड या एक्सट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड। इन तीनों के अलावे आपका जो बकल कैविटी होता है उसके दीवार पर, वाल पर,
और भी जो है ना करीब 1,000 जो है ना सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अभी तक अगर ये आइडिया था दिमाग में कि हमारे बकल कैविटी में या हमारे माउथ में केवल 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं 6, तो इसको हटा लो दिमाग से, हमारे जो बकल कैविटी है उसमें ढेर सारा सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जिसमें 3 जो होता है वो बड़ा होता है और आपका बकल कैविटी के बाहर दीवार के बाहर में पाया जाता है, बाहरी सरफेस पर पाया जाता है, जिसमें कौन था, पैरोटिड, ये रीजन में बताए थे, सबलिंगुअल 2, ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो बच रहा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। तो ये 3 जो पेयर हैं मतलब 6, इनको छोड़ दो तो करीब करीब 700 से 800 से 1000 जो है आपका माइन्यूट, आपका स्केटर्ड जो है ना होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड जो ओरल कैविटी के म्यूकोसा पर पाया जाता है। इनसे जो है ये जो आपका माइनर या इंट्रिंसिक बकल कैविटी जो सैलिवरी ग्लैंड है, इनसे लगातार सिक्रीशन निकलता रहता है, इनमें सिक्रीशन बंद नहीं होता है, जैसा कि हम देख रहे थे इसमें क्या होता है, कम और बेसी होता है, बंद होता है और निकलता है, किसमें भाई, पैरोटिड में, सबलिंगुअल में और मैंडिबुलर में। सबलिंगुअल तो आपको बताया कि लगातार करता रहता है। उसके बाद बोल रहे हैं एक और ग्लैंड है वॉन इबनर्स ग्लैंड, ये जो वॉन इबनर्स ग्लैंड है जिसको गस्टेटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये आपका मुख्यतः डॉर्सल साइड पर पाया जाता है टंग के, सरकम वैलिड पैपली आप लोग पढ़े होंगे और फॉलियोड पैपली पढ़े होंगे, वहां उसके बेस के पास होता है, मेनली आपका सरकम वैलिड पैपली जो होता है उसके बेस पर पाया जाता है, कौन भाई, वॉन इबनर्स ग्लैंड, जैसा कि नाम है उन्हीं के द्वारा दिया गया था और देखा ये गया, खोजा ये गया उनके द्वारा कि इससे क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज निकलता है। हाँ, लाइपेज, अगर थोड़ा बहुत भी डाइजेशन आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे कि जो वसा को पचाता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, उसको कहते हैं लाइपेज इंजाइम। अर्थात पहले हम लोग जो जानते थे इस बात को, या माने पिछले क्लासों में हम लोग जो ये जानते थे कि बकल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, थोड़ा सा इसमें सुधार का जरूरत है, और वो क्या सुधार का जरूरत है, कुछ मात्रा में लिपिड का भी क्या होता है, आपका हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, उनका ब्रेकिंग शुरू हो जाता है, कहाँ पर, बकल कैविटी में। ये आपको बोल रहे थे किसके मदद से होता है, लाइपेज के मदद से, और इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, वॉन इबनर ग्लैंड या गस्टेटरी ग्लैंड जो है वो जिम्मेवार होता है। वो पाया कहाँ जाता है, जीभ के डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है, सरकम वैलेट पैपली के बेस पर करीब करीब। अब आगे हम जो बात करते हैं, ये तो नोट का बात था, इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, नोट में दो चार बात बताए हैं, पहला तो कि सलाइवा का सिक्रीशन के लिए 2 तरह का रिसेप्टर होता है, एक कीमो रिसेप्टर, एक प्रेसो रिसेप्टर, दबाव से सलाइवा निकल सकता है, माउथ में भोजन लेंगे तो आपका सलाइवा आ जाएगा, आप सूंघेंगे तब आ जाएगा, आप चाटेंगे तब आ जाएगा, मतलब कीमो रिसेप्टर से आ जाएगा। या इसमें अगला जो बात था वो ये था कि सेलिवेटरी न्यूक्लियाई होता है जो पाया जाता है आपका पॉन्स में या मेडुला के, आपका मेडुला में पाया जाता है, इसका जो काम होता है वो काम क्या है, सेलिवेशन को कंट्रोल करना, माने सलाइवा के सिक्रीशन को कंट्रोल करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, जो भी आपका सलाइवा है वो आपका उसमें पानी करीब 99% होता है, हम लोग में चाहे कम मात्रा में निकले सलाइवा चाहे ज्यादा मात्रा में निकले उसमें पानी 99% होता है, मतलब ये हाइपोऑस्मोटिक होता है, और भी आएगा 98% होता है इसमें इंटेस्टिनल जूस में, तो जो भी आपका देख लो वो सब हाइपोऑस्मोटिक होते हैं, ठीक है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। प्रोटीन जो होगा उसमें आपका कुछ प्रोटीन्स पाया जाता है, ये तो पहला हो गया वाटर जो 99% तक होता है, फिर उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, प्रोटीन में हो गए म्यूसिन, टाइलिन या जिसको सेलिब्री एमाइलेज कहते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें IgA प्रमुख है, हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी मतलब वैसा प्रोटीन का रचना जो आपके बॉडी में बनता है और क्या करता है, बाहर से आने वाले फॉरनर जो आपके होते हैं दुश्मन, जिसको हम एंटीजेन कहते हैं, उनको समाप्त करता है। तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बाबू, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी आपका निकलता है सिक्रीशन, जैसे लार है, पसीना है, आंसू है, इन सब में आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाया जाता है। और ये जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जो सिक्रीशन में पाया जाता है उसको कहते हैं आईजीए, हाँ, या सिक्रेटरी एंटीबॉडी। तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी या सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसको कहते हैं, आईजीए को कहते हैं। ये आपका लार में पाया जाएगा। और क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट समझते होंगे, हाँ, जिस पे चार्ज हो वैसे आपके क्या तत्व, जैसे Na+, K+, है ना, Cl-, बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया और फॉस्फेट हो गया, ये प्रमुख है। इनके अलावे सिलाइवा में दो और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक थायोसाइनेट है और एक लाइसोसाइन है। थायोसाइनेट और लाइसोसाइन क्या करते वो सब आगे हम देखेंगे, और शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ सिलाइवा। तो सिलाइवा जो भी काम करेगा वो किसके कारण करेगा, जो उसका कंपोनेंट है उसके कारण करेगा। तो उसमें सबसे ज्यादा, सिलाइवा में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर है। तो जो पहला काम होगा वो वाटर का होगा। तो जो भी आपका सिलाइवा में वाटर होता है उसका जो काम है वो पहला काम यही है वाटर का, कि वो आपका मीडियम देता है किसके लिए, भोजन को चबाने के लिए, और तो और भोजन को सिलाइवा में मिलने के लिए, भोजन को काटने के लिए। इसके लिए जो मीडियम होता है वो प्रोवाइड करता है कौन बाबू, आपका सिलाइवा प्रोवाइड करता है। तो सिलाइवा में ये किसका काम है, तो सिलाइवा में ये वाटर का काम है। तो वाटर का पहला काम क्या हो गया, कि मीडियम प्रोवाइड करना किसके लिए, मैस्टिकेशन के लिए। मीडियम प्रोवाइड करना, मैस्टिकेशन का मतलब आपको बताए, काटने के लिए, चबाने के लिए, या उसको सिलाइवा को ठीक से भोजन में मिला पाने के लिए जो मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। और ये कौन देता है, ये काम कौन करता है, तो ये आपका वाटर करता है सिलाइवा का। जो सिलाइवा का वाटर है उसका दूसरा काम है कि ये टंग को मॉइस्ट रखता है, जीभ को भिगा के रखता है, और इससे हम बोल पाते हैं। अगर टंग आपका सूख जाए तो आवाज नहीं निकलता है। कभी किसी के टंग को पूरा पोंछ के साफ कर दो और उसको बोलो बोलने के लिए, तो देखना वो नहीं बोल पाता है जब तक टंग पूरी तरह से भींग नहीं जाता है। बोलता तो है लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है। तो समझने वाला जो बात है उसको बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, टंग जो है मॉइस्ट चाहिए। तीसरा जो इसमें बात है, जो फंक्शन है वाटर का, किसका, सिलाइवा का, वो है डिजॉल्व करना, फूड में जो केमिकल्स है उसको डिजॉल्व करना। तो जो भोजन में जो केमिकल्स है उसको डिजॉल्व करता है। डिजॉल्व करने से क्या फायदा होता है, टेस्ट पता लगता है टंग पर। अगर डिजॉल्व नहीं होंगे तो उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब उनको तोड़ना, और तोड़कर क्या करना, हमको कीमो रिसेप्टर को एक्टिवेट होने में मदद करना जीभ पर। तो ये तीन काम उसका प्रमुख हो गया। पहला काम हो गया कि माध्यम देना, माध्यम प्रोवाइड करना चबाने के लिए, दूसरा वो काटने के लिए या सिलाइवा को मिलाने के लिए। दूसरा जो काम है वाटर का वो है जीभ को भिंगा के रखना ताकि बोल पाए हम। और तीसरा जो है वो ये है कि भोजन के केमिकल को क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है, घोल देता है, जिससे हम भोजन का क्या करते हैं, टेस्ट ले पाते हैं। दूसरा है म्यूसिन। सेकंड जो कंपोनेंट था आपका सिलाइवा में इम्पॉर्टेंट वो है म्यूसिन। म्यूसिन जो है वो आपका क्या करता है, म्यूसिन आप में म्यूकस बनाता है वाटर के साथ मिलकर, ठीक है। ये जो आपका वाटर के साथ मिलकर जब वो म्यूकस बनाता है तो म्यूकस आपका गाढ़ा चपचपा पदार्थ होता है, जिसे नेत्र एकाकार जिसको बोल लेते हैं हम,
हाँ, वो आपका थोड़ा सा उसी का कंसंट्रेट फॉर्म है। अब ये करता क्या है, ये लुब्रिकेट करता है भोजन को, और भोजन को लुब्रिकेट करता है जिससे हमारा जो है बकल कैविटी क्या होता है, उसे भोजन से रगड़ खाने से बचता है, उससे मैकेनिकल इंजुरी होने से बचता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि अगर जो है आप लोग को यहाँ पर किसका म्यूसिन का, तो म्यूसिन का काम क्या है, भोजन को जो है ना वो आपका लुब्रिकेट करता है, चारों तरफ जो एक लेयर जैसा बनाता है, लसलसा लेयर जैसा, जिससे आपका जो बकल कैविटी है या जो आपका ओसोफेगस वगैरह है वो आपका टूट उस पर चोट लगने से बचता है। हाँ, उसके बाद ये हमारे मैकेनिकल इंजुरी से क्या किया, बचा दिया हमारे किसको बाबू, आपके जो डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है जिसको बकल कैविटी बोल रहे थे, ओसोफेगस बोल रहे थे, उसको ये बचाता है। तीसरा है टाइलिन, टाइलिन या सेलिब्री एमाइलेज, टाइलिन या जिसको सेलिब्री एमाइलेज कह रहे थे, ये आपका रियली में पार्शियल डाइजेशन में मदद करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करो आप, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है बकल कैविटी से, तो बकल कैविटी से जो शुरुआत होता है आपका, वो आपका उसमें इसका जो काम है वो काम ये है कि टाइलिन या सेलिब्री एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जिसमें स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है भोजन का, उसको आपका पार्शियल डाइजेशन करके सिंपल जो है ना कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, डेक्सट्रीन, लिमिट डेक्सट्रीन हम लोग पढ़ेंगे, आगे है पढ़ना। तो आपका तीन चीजों का काम अभी हम पढ़े हैं, पहला था वाटर, वाटर का काम तीन था हम बता दिए, पहला तो कि आपको जो है ना मीडियम प्रोवाइड करता है बकल कैविटी के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, भोजन को चबा सके, काट सके और उसको आराम से सिलाइवा में मिला सके। दूसरा काम था कि ये बोलने में मदद करता है, जीभ को भिगा के रखता है, और तीसरा था कि ये केमिकल्स जो होते हैं भोजन को उनको डिजॉल्व कर देता है, तो हमको उसका टेस्ट पता लगता है। म्यूसिन का काम आपको बताया कि ये भोजन को क्या करता है, लुब्रिकेट करके रखता है, वाटर के साथ मिलकर क्या करता है, म्यूकस बनाता है, और इससे हमको फायदा क्या होता है कि जो भोजन है उससे जो मैकेनिकल इंजुरी होने का संभावना था बकल कैविटी को वो नहीं हो पाता है। तीसरा था टाइलिन, टाइलिन के बारे में या सेलिब्री एमाइलेज के बारे में बताया कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को आंशिक रूप से तोड़ता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, जिसमें मुख्यतः स्टार्च और ग्लाइकोजन प्रमुख हैं। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन्स या जिसको एंटीबॉडी बोल रहे थे, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पहले भी आपको बोले कि ये क्या करेगा, आपके बॉडी को डिफेंड करेगा, कैसे भैया, तो भोजन में जो आपके माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ जा रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो आ जा रहे हैं, उनको क्या करता है, ये समाप्त करता है, डिस्ट्रॉय करता है और आपको बचाता है। पांचवा जो स्ट्रक्चर था, पांचवा जो रचना था, उसका नाम था थायोसाइनेट, इसमें कंपोनेंट्स में, और या छठा जो था लाइसोजाइम था, दोनों को एक साथ देख लेते हैं, थायोसाइनेट और लाइसोजाइम का क्या काम है। ये जो आपका थायोसाइनेट है वो रियली में एंटीसेप्टिक मटेरियल है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर घुसने से रोके, सेप्ट करे, एंटीसेप्ट, हाँ, घुसने से उसको रोके। तो ये जो एंटीसेप्टिक का काम करता है कौन, थायोसाइनेट, और बैक्टीरिया को क्या करता है, आपका समाप्त करता है, रोकता है, उसको बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद करता है। लाइसोजाइम का भी वही काम है, लाइसोजाइम जो है वो भी एंटीसेप्टिक मटेरियल है, ज्यादा अच्छा है कि वो आपको क्या करता है, उसके दीवार को फाड़ देता है, किसके, बैक्टीरिया के दीवार को, कौन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के दीवार को फाड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों का काम हो गया, थायोसाइनेट और लाइसोजाइम जो है वो दोनों का काम क्या है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया आया है भोजन में उसको रोकना। थोड़ा सा याद रखना, अगर भोजन बासी हो गया है या उसमें गंध आ रहा है तो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और फंगस के कारण हो सकता है। अगर ऐसा भोजन है जिसमें आपका दुर्गंध आ रहा है या जो खट्टा हो गया है, कोशिश कीजिएगा नहीं खाने का, क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया को रोक सकता है, ये रोकता है बेचारा, लेकिन वो जो खट्टा हो जाता है ना उसमें काफी ज्यादा मात्रा में आ जाता है और उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, उससे आपको क्या हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है,
तो कोशिश यही कीजिएगा। जैसे प्याज, हम लोग क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं, प्याज को काट के रख देती हैं, तो जो भी काटा हुआ प्याज 1 से ज्यादा 1 घंटा से ज्यादा का हो जाता है, इसको आधा घंटा के बाद ही नहीं खाना चाहिए। तो अगर उसको कच्चा हम जब खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं, तो क्या होता है, वो आपका बैक्टीरिया का वाहक हो जाता है। इसलिए जब भी होटल में जाएं आप, तो होटल में देखिएगा सलाद काट के रखा हुआ रहता है, उस सलाद को न लें। आप उनसे डायरेक्ट क्या बात करें, जो आपका बढ़िया होटल होगा या रेस्टोरेंट होगा, उसमें देखिएगा वो क्या करता है, साबुत प्याज देता है आपको, या फिर प्याज को क्या करता है, कुछ केमिकल्स में डाल के रखता है, ठीक है, या आप जिस समय जाते हो ना, उसी समय प्याज काट के तुरंत लाता है, तो वो खाने लायक है। लेकिन जो काटा हुआ प्याज है, ऑलरेडी जो ना पीस में काटा हुआ है, उसको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, इवन फंगस आने लगता है, तो वो सब जो है ना आपको खाने में क्या करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दोनों नहीं रोक पाएंगे, थायोसाइनेट और जो लाइसोजाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, या ये जो एंटीबॉडी जो पढ़ रहे हैं, ये तीनों नहीं रोक पाते हैं भोजन के साथ, वो अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का बात करते हैं। तो ये अभी हम लोग सैलिवरी ग्लैंड का बात किए। सैलिवरी ग्लैंड में क्या पड़े, सैलिवरी ग्लैंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आपको बताया, जो बकल कैविटी के दीवार के बाहरी सतह पर थे, लेकिन जो बकल कैविटी के दीवार के अंदर में थे या अंदर के लेयर पर थे, उसको बोल रहे थे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो छोटा छोटा होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक जो होता है बकल कैविटी, वो क्या होता है, बड़ा होता है। एक्सट्रिंसिक कैविटी जो आपका बकल कैविटी में जो बकल, ये क्या था, ग्लैंड था, सेलिब्री ग्लैंड, उसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, अर्थात 3 प्रकार का वो होता है, 3 जोड़ा, ठीक है। और जो आपका इंट्रिंसिक आपका सेलिब्री ग्लैंड बताया, उसकी संख्या 1000 तक होता है। उसके बाद आपको बताया कि इंट्रिंसिक जो आपका सेलिब्री ग्लैंड था, उसका सिक्रीशन हमेशा आता रहता है, जबकि जो आपका इंट्रिंसिक था उसका क्या होता है, हमेशा आता रहता है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक था उसमें सिक्रीशन जो है जरूरत के अनुसार आता है। उसमें हम आपको बताए थे कि सब लिंगुअल जो आपका ग्लैंड था उसमें हमेशा सिक्रीशन होता रहता था, लेकिन पैरोटिड और सब मैगजिलरी जो ग्लैंड है उसमें सिक्रीशन तब होता है जब हमको स्टिमुलेशन आता है। हाँ, मतलब स्टिमुलस आता है, या तो गंध का के रूप में, गंध के रूप में, या देखने के रूप में, या फिर आपका क्या, स्वाद के रूप में, टेस्ट के रूप में, या फिर प्रेसो रिसेप्टर के रूप में, मतलब भोजन माउथ के अंदर आ गया तब। तो ये कुछ बात हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का बात कर रहे थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, वो स्टोमक की दीवार पर पाया जाता है, और ये 3 प्रकार का होता है, एक कार्डियक ग्लैंड है, एक फंडिक ग्लैंड है, और एक पाइलोरिक ग्लैंड है। आपको पीछे हम बताए थे कि आपका जहां पर खुलता है ओसोफेगस आकर किसमें, स्टोमक में, उसको कहते हैं कार्डिया। तो उसके अगल बगल में जो ग्लैंड्स होंगे उनको कहेंगे हम क्या बाबू, कार्डियक ग्लैंड। कहां के, कार्डिया के अगल बगल में होंगे। और जो ग्लैंड आपके, देखिए यहां पर ये कार्डियक जो ग्लैंड्स होते हैं वो यहां पर होते हैं कार्डियक के अगल बगल में। दूसरा जो आपको फंडिक बोल रहे थे वो आपका फंडस में और बॉडी में पाए जाते हैं। और तीसरा जो आपको ग्लैंड बोल रहे हैं उसका नाम है पाइलोरिक। तो ये जो पाइलोरिक है वो पाइलोरस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसका ग्लैंड के बारे में, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, जो आपका पाया जाता है किसमें बाबू, तो आपके स्टोमक में पाया जाता है, स्टोमक के दीवार पर पाया जाता है। 3 प्रकार के ग्लैंड्स हो गए, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। अब कार्डियक ग्लैंड का बात करते हैं। तो ये जो वहां पर बताया अभी समझाए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका कार्डिया के चारों तरफ पाया जाता है, और ये क्या करता है, अल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन देता है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो जो आपका भोजन आ रहा था कहां से भाई, माउथ में से जो आ रहा था, उसको ये क्या करता है, अल्केलाइन होने में मदद करता है। अगला है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड किसको कहते हैं, तो फंडिक ग्लैंड जो है ना उसको कहते हैं
जो आपका फंडस और क्या बोलते हैं बॉडी में पाया जाता है स्टोमक के, ये आपके मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। और प्रत्येक जो ग्लैंड होता है फंडिक ग्लैंड, उसमें तीन प्रकार के सिक्रिटरी सेल्स होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फंडिक जो ग्लैंड है वही हमारा मेन जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये पाया जाता है दो रीजन में, फंडस और बॉडी के रीजन में, किसका बाबू स्टोमक का। प्रत्येक ग्लैंड जो होता है वो तीन तरह के सेंसरी सेल्स का बना होता है। पहला है म्यूसिन, दूसरा है पेराइटल सेल्स और तीसरा है चीप सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूसिन सेल्स का। सबसे पहले तो जो म्यूसिन सेल्स का बात करोगे तो म्यूसिन सेल्स में देखो, ये आपका जो है ना मुख्यतः पाया जाता है ऊपर में नेक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो आपका म्यूसिन है, तो आपके मन में आ रहा हो कि ये नेक रीजन में क्या बोल रहे हैं ग्लैंड के, तो इसके लिए जो है ना हम फिर से आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहेंगे। अगर आपको थोड़ा याद होगा ये आपका, हाँ ये आपका अगर फिगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको पता लग जाएगा, स्टोमक का जो दीवाल था, स्टोमक का दीवाल में हम आपको बताए थे कि छेद होते हैं छोटे 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 ढेर सारे, इसको गैस्ट्रिक पीट्स कहते हैं। इन्हीं से जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसका सिक्रीशन बाहर आता है। ये जो है आपका, इसमें देखो नीचे में जो है ना आपका क्या है, ग्लैंड्स में विभिन्न सेल्स हैं। इसमें सेल्स को देख लो, ये ऊपर में है म्यूकस सेल जो नेक रीजन में है, गैस्ट्रिक मुकोसा में है अंदर में। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स है जिसमें चीप सेल्स है। फिर आपका पेराइटल सेल्स है, देखो बेस की तरफ पेराइटल सेल्स है। तो सब यहाँ पर जो है ना सेल्स कैसे अरेंज है वो ऑलरेडी आपको हम फिगर में दिखाए थे पहले भी। तो हम फिर से जो है ना हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन था पहला, म्यूसिन था। किस में पाया जाता है, फंडिक आपका जो है ना ये आपका फंडिक ग्लैंड में पाया जाता है। तो फंडिक ग्लैंड में पहला सेल था म्यूसिन सेल, जो पाया जाता है अपर या नेक रीजन ऑफ द ग्लैंड में। इसका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीशन, वहां पर फिगर में था, तो पीछे के जो क्लास है उसमें आप देख लेना। अगला है पेराइटल सेल और ऑक्सिनेटिक सेल्स, ये भी अभी हम आपको फिगर से दिखाए वहां पर। ये जो पेराइटल या ऑक्सिनेटिक सेल होते हैं ये एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को देते हैं। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसका नाम है कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इसको सर्वप्रथम बताया गया था कैस्टल के द्वारा। फिर से बता रहे हैं कि जो आपका म्यूसिन सेल था वो म्यूकस देता है, म्यूसिन देता है जिससे म्यूकस बनता है। दूसरा है पेराइटल सेल्स या ऑक्सिनेटिक सेल्स, ये क्या करता है एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर देता है जिसको कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा नोट का बात देख लेते हैं कि जो कैस्टल आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये क्या करता है विटामिन B12 के साथ, मतलब साइनोकोबालामिन के साथ मिल जाता है और मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसी रूप में एब्जॉर्प्शन हो जाता है गट से। आपको हम पहले भी बताए थे कि हमारे गट में एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, किसी भी मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता, वाटर का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपका विटामिन है उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होने के लिए उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलना होता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बनता है किसके साथ मिलकर, तो विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपका मिल जाता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसके जो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के दीवाल के द्वारा। अगला बात करते कि जो पेराइटल सेल होता है वो आपका जनरली जो है ना पेशेंट में देखा जाता है कि वैसे पेशेंट जिनको परनिशियस एनीमिया हो गया है, एनीमिया आप पढ़े होंगे या एनीमिया नहीं पढ़े नहीं जानते तो कोई बात नहीं जान लेंगे। एनीमिया एक रोग है जिसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उसी में एक रोग है परनिशियस एनीमिया। ये जो परनिशियस एनीमिया है
जिसको पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, तो देखा यह गया है कि अधिकांश पर्निशियस एनीमिया वाले में पेशेंट में आपका जो पेराइटल सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। अर्थात पेराइटल सेल का क्या महत्व है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एक विशेष एजेंट जिसका नाम है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर उसका सिक्रीशन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो आपका स्ट्रक्चर था उसमें वो था चीप सेल या पेप्टिक सेल। हाँ, हम लोग तीन प्रकार की सेल देखे। पहला म्यूसिन सेल था, किसमें बाबू फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड पर लगे ना, तो फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन प्रकार के प्रमुख सेल थे, एक म्यूसिन था, दूसरा पेराइटल सेल था या ऑक्जेंटिक सेल था, और तीसरा है चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजीन सेल्स। ये जो चीप सेल है, चीप का मतलब होता है प्रमुख, पेप्टिक सेल मतलब पेप्सिन देने वाला, ये जो है ना आपका प्रमुख है आपका डाइजेस्टिव सेल्स जो पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। इसका काम क्या है, जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है, आप जानते होंगे शायद कि आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो निकलता है कहाँ पर, स्टोमक के अंदर, उसमें आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में दो तरह का एंजाइम्स प्रमुख होते हैं, एक पेप्सिन होता है और दूसरा रेनिन होता है। तो पेप्सिन और रेनिन जो होता है ना वो जब निकलता है तो कभी भी वो आपका एक्टिव फॉर्म में नहीं निकलता है सिक्रीशन में, जब भी वो निकलता है तो किस रूप में निकलता है, तो वो निकलता है पेप्सिनोजीन के रूप में या प्रोरेनिन के रूप में, ठीक है। और ये प्रोरेनिन या आपका पेप्सिनोजीन के रूप में निकलता है कहाँ से, चीप सेल से या पेप्टिक सेल से या जाइमोजीन सेल से, ठीक है। तीसरा उसके बाद ये तो आपका तीन ग्लैंड था जो हो गया, ग्लैंड का सेल था सॉरी, किसका फंडिक का, तो फिर से बोल रहे हैं पहला हम लोग पढ़े थे कार्डियक ग्लैंड्स जो पाया जाता है स्टोमक में, उसके बारे में बता दिए आपको, कार्डिया के क्षेत्र में था, आपका म्यूकस सीक्रेट करता था अल्केलाइन। फिर बोल रहे हैं कि दूसरा था फंडिक जो कि आपका मुख्य रूप से पाया जाता है स्टोमक के दीवाल के बॉडी 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 के दीवाल पर या स्टोमक के जो फंडिक रीजन था उसके दीवाल पर। फिर उसमें हम बता रहे हैं कि ये जो आपके तीनों सेल थे उसके अलावे जो तीसरा जो आपका ग्लैंड है उसका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड जो है ना वो पाइलोरिक एंट्रम के रीजन में पाया जाता है या पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है। इससे क्या निकलता है, अल्केलाइन म्यूकस निकलता है, और ये जब स्टोमक से भोजन मूव करता है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम में, तो उस तब ये भोजन को अल्केलाइन बनाने में मदद करता है। स्टोमक जो होता है उसमें जो भोजन होता है उसका पीएच मान करीब 1.5 होता है, जैसे ही 2.5 से ज्यादा हो जाए, 2.5 से ज्यादा हो जाए पीएच मान अगर फूड का आपके कहां स्टोमक के अंदर, तो उसका डाइजेशन रुक जाता है, समझ लो कितना हाईली एसिडिक होता है। आप लोग अगर पीएच मान केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि पीएच मान किसी के एसिडिटी और बेसिसिटी को बढ़ाता है बताता है। सबसे जो मिनिमम होता है पीएच मान वो कितना होता है, 1 होता है, जबकि सबसे ज्यादा अगर होता है तो 14 होता है, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, तो सोच लो 1 के जस्ट पहले मतलब कितना ज्यादा एसिडिक होगा। ये लोग बोलते ना बैटरी का पानी, आप सोच लो उसका भी ये दादा है एक तरह से, 1 है इसका एकदम पीएच मान, 1.5 बोल रहे हैं मतलब 1 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, तो सोच लो कितना ज्यादा हाईली एसिडिक है ये। और ये उसके बाद भी आपका जो है ना अभी तक बचा हुआ इंटेस्टाइन, अभी तक बचा हुआ है स्टोमक, अभी तक बचा हुआ है और भी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, तो कारण क्या है, रीजन क्या है, मन में आता होगा उसको हम अभी आगे बताते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है, चाहे पाइलोरिक हो, चाहे आपका फंडिक हो, चाहे आपका जो है ना कार्डियक ग्लैंड्स हो, जो भी आपका क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उन सब का काम है गैस्ट्रिक जूस को देना। गैस्ट्रिक जूस क्या है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो सिक्रीशन है किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। रोज जो है ना कितना गैस्ट्रिक आपका जूस निकलता है,
तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि पर दिन करीब 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक आपका जूस रोजाना निकलता है, और औसतन अगर हम बात करें तो औसत आदमी करीब 800 ml जो है ना या ग्राम भोजन खाता है। तो 800 ml अगर या 800 ग्राम अगर हम भोजन करते हैं तो करीब करीब 2 लीटर जो है ना गैस्ट्रिक जूस रोज निकलता है आप में। जो है ना दिन भर में 800 ग्राम खाता है तो 800 ग्राम खाने वाला व्यक्ति में कितना निकलता है, 2 लीटर निकलता है। फिर लिखिए कि इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। इसका जो पीएच मान होता है 1.5 होता है, हम बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले भी बता रहे थे, अर्थात स्ट्रांगली एसिडिक होता है ये। कौन? गैस्ट्रिक जूस। इसका केमिकल कंपोजिशन का बात कर लो तो इसमें देखो 99.45 मतलब करीब करीब 99.5% इसमें केवल और केवल पानी है, और उसके बाद भी ये क्या है, हाईली एसिडिक है, ये ध्यान रखना। आपको फिर से बता रहे हम, प्रकृति जो है ना, प्रकृति जो चीज बना दी है ना, हम लोग को उसको करने में हालत खराब हो गया है, और हम क्या करते हैं, प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। हाँ, हम जो है एक दिन हम देख रहे थे, हमको एक घटना याद आता है कि टीएन सेशन का कहीं पर हम पढ़ रहे थे। टीएन सेशन साहब जो थे वो आपका घूमने घूमते हुए गए थे, शायद आप लोग जानते होंगे टीएन सेशन जो थे आपके देश के एक महान जो है कि टीएन सेशन जो साहब जो थे ना वो उत्तर प्रदेश के जो है ना गए थे चुनावी दौरे पर गए थे, और उस समय वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, उनके साथ जो है ना उनकी पत्नी वगैरह भी थी। वो एक बाग में गए, बाग के पास जब गए तो वहां पर जो है ना एक बया पक्षी होती है, बया पक्षी आप लोग शायद जानते होंगे, छोटी सी पक्षी है, उसका घोंसला था। और उसकी उसकी पत्नी जो है ना वो बोली, वहां पर जब देखी उस पक्षी को, बड़ी अच्छा सा वो क्या होता है, उसका जो घोंसला होता है ना काफी बढ़िया होता है, आकर्षक होता है। तो उसकी पत्नी जो है ना वो आपका बोली उनसे टीएन सेशन से कि आप क्या कीजिए, हमको जो है ना 2 घोंसला मंगा दीजिए, ठीक है, और इसको हम ले चलेंगे और घर में लगा देंगे। इसको शायद आप जानते होंगे, बया पक्षी जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं, बर्ड्स का दर्जी बोलते हैं, पक्षियों का दर्जी बोलते हैं, मतलब कपड़ा सीने वाला, बड़ी सलीका से जो है ना ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। तो उन जो पुलिस वाला था उसको उन्होंने कहा कि भाई मेरे जाओ और जाके ले आओ घोंसला को, लेकिन पुलिस वाला जो है ना वो बेचारा चूंकि पुलिस में है तो उसको जो है ना थोड़ा सा चढ़ने का पेड़ पर चढ़ने का आइडिया थोड़ा कम रहता है बेचारे को। तो वो क्या किया, वहीं पर जो है ना जानवर वगैरह जो चलाते रहते हैं गांव में लोग, तो वहां पर जो है ना एक बच्चा था, उसको बोला कि भैया आप जाओ घोंसला जो है ना वो आपका ले आओ, जरा सा घोंसला हमको चाहिए। वो बच्चा जो है ना बोला कि नहीं, हम जो है ना घोंसला नहीं लाएंगे। तो फिर इन लोगों के द्वारा कहा गया कि आपको जो है ना हम कुछ पैसा देंगे, उस समय हमको याद आ रहा है, उसमें उनके द्वारा उसको 10 रुपया देने का बात हुआ था, तब भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। तब टीएन सेशन खुद बात करने लगे और उन्होंने कहा कि आपको हम 5 गुना ज्यादा देंगे, 50 रुपया देंगे। और सोच लो टीएन सेशन आज से 10 साल से ऊपर हो गया उनका, है ना, करीब करीब 15 साल 18 साल पहले की घटना है। उस समय जो है 50 रुपया का बहुत महत्व था, लेकिन वो बच्चा तैयार नहीं हुआ। वो बच्चा जो है ना वो कहा कि देखिए शाम हो रहा है, शाम होने वाला है, जब शाम होगा तो जो चिड़िया है वो क्या करेगी, उसकी जो माँ है वो आपका क्या करेगी, वो आपका दाना लेकर लौट के इसमें आती है घोंसला में, और अगर उस समय इसका घोंसला नहीं रहेगा, उसका बच्चा नहीं रहेगा, तो सोचिए कितना दुखी होगी वो। इसलिए आप जो है ना चाहे पूरा का पूरा कितना भी पैसा हमको दे दीजिए, लेकिन हम कभी भी उस घोंसला को नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते हैं। और ये घटना जो है ना उनको इतना दुख रहा कि टीएन सेशन अपने जिंदगी में लिखते हैं कि एक छोटा सा चरवाहा बच्चा, 10 साल का करीब वो बच्चा था, वो बच्चा हमको जो है ना एक करारा तमाचा मार गया। हम आईएएस बन गए थे, हम जो है ना भारत के सबसे बढ़िया नौकरी कर रहे थे, और उसके बाद भी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आया था कि संवेदनशीलता होनी चाहिए हमें। हम जितना ज्यादा पढ़े लिखे हों हमको उतना ज्यादा भावना हमें होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और वो बच्चा जो था, जो अनपढ़ था बेचारा, काफी कम पढ़ा लिखा होगा, और वो बच्चा जो है आज हमारा जो है ना हमको ये दिखा गया कि आईएएस हम नहीं बल्कि वो है, देश चलाने की योग्य वो है जो प्रकृति को समझता है, जो हमारे वातावरण को समझता है। और हम क्या कर रहे हैं, वातावरण में आग लगाए जा रहे हैं।
हम क्या करें, जंगल को बर्बाद कर रहे हैं और लॉन लगा रहे हैं घर में। हम घर के पेड़ों को काटते जा रहे हैं और क्या करते हैं, सजावटी फूल लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और उसी के कारण शायद विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं एक रीजन उसका हो सकता है। आज हम सब परेशान है, कोई कोरोना से, कभी कभी जो है ना वो टाइट से परेशान है, कभी जो है ना और भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। जरा सोचो प्रकृति पर, अगर प्रकृति को छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, वैसा पदार्थ बना सकता है, वैसा मेटेरियल बना सकता है जिसमें पानी 99.45% है और उसके बाद भी उसका पीएच मान कितना है, 1.5 है। जो भी एसिड बनाने वाले होंगे या बैटरी के दुकान वाले होंगे उनसे बात करना कभी कि आप जो एसिड आपका है उसमें 99.45% पानी मिला दें, वो बोलेंगे ये एसिड बचेगा ही नहीं। लेकिन सोचो हमारे पेट में कैसा व्यवस्था है। खैर इसमें जो है ना सॉलिड मटेरियल कितना होता है, 0.55% होता है। ये जो सॉलिड मटेरियल्स होता है इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होता है उसमें क्या क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में इसमें आपका करीब मात्रा होता है 0.15% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जिसमें आपका HCl होता है, साल्ट ऑफ Na होता है, और क्या होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट फॉस्फेट, जैसा कि पीछे भी हम देख रहे थे किसमें था, आपके सेलिब्री जूस में था। तो जिस तरह से सेलाइवा में आपका पाया जाता है इनऑर्गेनिक साल्ट, कुछ हद तक करीब करीब यहाँ भी था, लेकिन इसमें मुख्यतः HCl था। HCl के कारण ही ये कैसा हो जाता है, ये आपका एसिडिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट आयन वगैरह भी है, फॉस्फेट वगैरह ये भी जो है ना उसको एसिड होने में मदद करता है। अगला है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है आपके सेलाइवा में उसकी मात्रा करीब 0.40% होता है, और ये जो होता है इसमें म्यूसिन होता है, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, प्लस कुछ इनएक्टिव जो है ना प्रोटियोलिटिक आपका एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिनोजिन है, प्रोरेनिन है, ये सब इसमें पाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आपका गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसके द्वारा जो जूस आता है उस जूस में कभी भी पेप्सिन एक्टिव रूप में नहीं आता है, कभी भी रेनिन एक्टिव रूप में नहीं आता है, बल्कि उसको एक्टिव करना पड़ता है। कैसे होता है वो आगे हम पढ़ाएंगे। नीचे एक हम थोड़ा सा स्टार्ट देके लिख दिए थे वहां पर, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर मतलब स्टोमक में घाव हो जाना, अल्सर का मतलब घाव होता है। ये जो आपका स्टोमक का जो घाव होता है उसका मुख्य रीजन जो होता है वो आपका बैक्टीरिया से होता है, ये जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन अगर इरेगुलर भोजन करते हैं, इरेगुलर भोजन मतलब कभी 9 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, और भोजन बना रहे हैं, भोजन सुबह में ही बना रहे हैं, 7 बजे हम भोजन बना रहे हैं, माताएं आज करती हैं ऐसा, आज हमारा एकादशी, आज हमारा तिरोस्ती, आज हमारा फलना, और भोजन बनाती हैं। जब वो भोजन बनाती हैं तो क्या होता है, ये आपका जूस जो है ना निकलता है, क्योंकि अभी हम आपको बताए कि साइट देखने में भी जूस निकलता है वो। तो जब जूस निकलता है तो जूस क्या करता है, धीरे धीरे म्यूकस को इरोड करता है, तो जितना मात्रा में म्यूकस आता है लेयर के रूप में उससे ज्यादा टूटता है। जब ये ज्यादा हो जाए, ज्यादा टूटने लगे, तो अंततः आपका क्या होता है कि आपका जो स्टोमक के अंदर का जो दीवार है वो इरोडेड होने लगता है, और यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया अगर आ गया तो आपको क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। और इसके ना आने पर भी कई बार जो है ना उस HCl की एक्टिविटी के कारण, बाइकार्बोनेट वगैरह की एक्टिविटी के कारण, मतलब गैस्ट्रिक जूस के एसिडिटी के कारण अंततः आपका क्या हो जाता है, अल्सर हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा जो है ना इलाज या उपचार क्या है, समय से भोजन करें, कभी भी बासी भोजन ना करें, और कोशिश यही करें कि भोजन को हमेशा ढक कर रखें। कोई भी बनाया हुआ भोजन 1 घंटा के बाद धीरे धीरे खराब होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं, सुबह में भोजन बनाई 7 बजे, अपने मुंह धोएंगी 1 बजे और खाना खाएंगी उसी को, तो ऑलरेडी वो भोजन क्या हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं,
वहां पर 3, 3:30, 3:30 बजे से जो है ना भोजन बनना शुरू हो जाता है, सब्जियां बननी शुरू हो जाती है। और खाना कब चलेगा भाई? तो अब तो हम लोग जो है ना लेट नाइट में हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। पहले हम सुने थे लेट मैरिज होता था, और अब जो है ना अब क्या होने लगा है, लेट आपका भोजन होने लगा है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा आगे जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का बात कर रहे थे। तो ये अभी हम पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का बात बता रहे थे। हाँ, तो माताओं को ये चाहिए, अधिकांश माताओं को देखो उनकी एक समस्या है, बड़ी समस्या है। क्या भाई? गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। कभी आप सोचते हो कि समस्या ये आया कहां से? तो बोलेंगे क्या करें, कैसे आ गया पता नहीं है। अरे समस्या का जनक आप हो, आप करवा रहे हो इसको। तो घरों में जो आज रोग जो फैल रहा है ना, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेवार कौन है? वहां की माताएं। जिस घर की माँ ठीक रहेंगी वो घर ठीक होता है। और इसीलिए शायद भारत जो है ना हमेशा देवियों को पूजा है, ये माताओं को आदर दिया है, क्योंकि वो जानता था हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को मानते थे कि अगर माँ ठीक रहेंगी तभी हमारा देश ठीक रहेगा, हमारा सभ्यता ठीक रहेगा, हमारी संस्कृति ठीक होगी, हमारे बाल बच्चे ठीक होंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज की माताएं जो है ना तथाकथित माताएं जो काफी पढ़ी लिखी हैं और वो बच्चों को क्या करती हैं, पिज्जा खिलाती हैं, वो बच्चों को क्या करती हैं, ब्रेड खिला देती हैं सुबह सुबह, वो बच्चों को क्या करती हैं, बिस्कुट का नाश्ता देती हैं चाय के साथ, वो बच्चों का दुश्मन है, रियली में माँ नहीं है। वो बच्चा आज नहीं जान रहा है, वो बच्चा बेचारा है, टेस्ट के चलते वो खा ले रहा है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा होगा, वो समझदार होगा, वो पढ़ेगा, उस दिन जो है ना उस माता को कितना आदर देगा आप खुद समझ लेना। वो माताएं आदरणीय नहीं है, वो सुबह जग नहीं पाती हैं। हाँ, जो माता 4 बजे तक बेड नहीं छोड़ पाती है वो बच्चों को क्या करेंगी, बच्चों को क्या संस्कार देंगी। खैर, हम यहां पर बात कर रहे थे पेप्टिक अल्सर का या गैस्ट्रिक अल्सर का। ये बहुत बड़ा रोग हो चुका है और इसके कारण अंततः जो है ना कैंसर हो जाता है, पेट का कैंसर हो जा रहा है, है ना, आपका स्टोमक का कैंसर हो जा रहा है। तो छोटी सी गलती हमारी क्या कर रहा है, हमें बड़ा सा रोग का जो है ना तोहफा दे देता है। और वो गलती क्या है, समय से खाना खाना। आप बच्चों को कोई भी हाल में 7 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, आप बच्चों को कोई भी हाल में 12 बजे तक दोबारा खाना खा लेना चाहिए। करीब 3.5 से 4 घंटा में स्टोमक खाली हो जाता है, और 3.5 से 4 घंटा में जब स्टोमक खाली हो जाता है तो उसके बाद स्टोमक में क्या होता होगा, आप सोच लो खुद भी कि तावा आपका चढ़ाया हुआ है कहां, चूल्हा पर, गैस पर, और उस पर कोई रोटी ना हो, उस पर कोई वस्तु ना हो, तो अंत में क्या होगा, तावा खराब हो जाएगा। आपके जो स्टोमक है उसके अंदर यही स्थिति होती है। तो कोशिश यही हमको करना चाहिए कि 3.5-4 घंटे में खा लेना चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे, सर तो रात में अगर 10 बजे तक सो गए हैं तब क्या स्थिति होगा, तब तो फिर बीच में भोर में उठ के खाना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। रात में क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, सुसुप्त हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ना थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इसलिए रात में जो है ना 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा आराम से चलेगा, आप सुबह फिर मार लीजिए दो के। खैर, हम आगे बढ़ रहे थे। तो यहां पर हम फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का बात कर रहे थे। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का जो फंक्शन है उसमें सबसे पहला है HCl। तो सबसे पहले हम HCl का बात करते हैं। HCl जो है ना उसका क्या काम है, हम आपको पहले भी बताए थे कि किसी का भी फंक्शन अगर जानना है तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स को पहले जान लो, और कंस्टिट्यूएंट का फंक्शन अगर आप समझ देते हो, फंक्शन जान लोगे तो उसका फंक्शन भी आप समझ लोगे। तो पहला जो फंक्शन है HCl का जो गैस्ट्रिक जूस में होता है वो है कि एसिडिक मीडियम बनाता है स्टोमक में, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जरूरी है। अगर जो है ना 2.5 से ऊपर हो जाए पीएच का मान कहां पर, आपके स्टोमक के फूड में, तो डाइजेशन वहां पर रुक जाता है। इसीलिए 1.5 जो है ना उसको बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस के HCl की होती है। दूसरा जो काम है HCl का, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आता है भोजन में, भोजन के साथ, उसको क्या करता है, समाप्त करता है, उसको कील करता है। तीसरा जो काम है इसका, वो तीसरा काम है कि ये जो हार्ड मटेरियल्स होता है फूड को, उसका क्या करता है, उसको डिजॉल्व करता है, उसको आपका खराब करके खत्म करता है, तोड़ता है। और चौथा जो है ना ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटियोलिटिक इंजाइम, जो अभी हम आपको बताए कि जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूस में इंजाइम निकलता है, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, वो सब के सब इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, पेप्सिनोजिन के रूप में या प्रोरेनिन के रूप में। तो इन सब को ये क्या करता है HCl,
एक्टिवेट करता है, इन सबको एक्टिव फॉर्म में बदल देता है, पेप्सिन के रूप में और रेनिन के रूप में। तो ये HCl का चौथा काम है। तो HCl के चार काम हो गए। पहला काम एसिडिक मीडियम को बना के रखना स्टोमक के अंदर करीब करीब कितना 1.5 से लेके 2 तक, अगर 2.5 से ज्यादा हो जाए तो रुक जाएगा वहां पर प्रोटीन ग्राइजेशन का प्रोसेस। दूसरा, जो भी आपका उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया है भोजन के साथ, उसको क्या करना, किल कर देना। तीसरा, भोजन के जो भी हार्ड मटेरियल्स हैं उनको डिजॉल्व कर देना। चौथा, जो इनएक्टिव प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ये सब फंक्शन है किसका बाबू, गैस्ट्रिक जूस के। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ म्यूसिन। ठीक है, ये पहला तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस था उसका पहला कंपोनेंट कौन था, HCl। तो आप लोग सर इसमें आप लिखे हो कि करीब कितना होता है, 90 जो है ना इसमें कल अभी हम थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 90 से ऊपर 99.45% देख लो 99.45% पानी होता है, उसका काम तो बता नहीं रहे हो। तो भैया मेरे वो जो आपका वाटर है उसका ऑलरेडी काम बता चुके हैं आपको, और यहाँ पर थोड़ा सा हम केवल बोल देंगे आपको, अगर नोट करने का मन होगा तो नोट कर लेना ऐसे। तो यहाँ पर HCl का फंक्शन हो गया। दूसरा है म्यूसिन। म्यूसिन का काम वही हो गया, लुब्रिकेट करेगा और क्या करेगा, स्टोमक के ऊपर में एक फिल्म बनाएगा और उसको मैकेनिकल इंजुरी से बचाएगा। आप जैसे प्लास्टर पर पेंट करते हो ना, जैसे आपके जो भी दरवाजा खिड़की है उस पर पेंट करते हो ना, वो पेंट क्या करता है भैया, वो आपके उस दरवाजा को या खिड़की को टूटने से या खराब होने से, डिग्रेड होने से बचाता है। यही काम यहाँ पर कौन करता है, म्यूकस लेयर करता है जो म्यूसिन से बनता है, कहाँ पर, स्टोमक में। अगला जो बात हम करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, अभी हम आपको बताए थे कि विटामिन B12 के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके चलते विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे किससे, गट से या स्मॉल इंटेस्टाइन से आराम से हो पाता है। और चौथा जो है एक्टिव पेप्सिन और रेनिन का क्या काम है। एक्टिव पेप्सिन और रेनिन जो है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, एक्टिव रूप में कहाँ पाया जाता है, वो स्टोमक के अंदर। कभी भी स्टोमक के जो है ना सिक्रेटरी सेल्स में ऐसा नहीं होगा, वहां पर वो पेप्सिनोजिन या प्रोरेनिन के रूप में होगा। ठीक है, तो आपका एक्टिव जो आपका पेप्सिन है जो आपका स्टोमक में बना है या रेनिन है, उसका काम है क्या, प्रोटीन का डाइजेशन करना। ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ किसका, गैस्ट्रिक जूस। लेकिन इसमें थोड़ा सा वाटर बच गया। वाटर का काम क्या है, पहला काम तो वही हो जाएगा जो उसमें था, मीडियम प्रोवाइड करना, माध्यम देता है। और यहां पर जो भी गतिविधियां हो रही थी उन सारी गतिविधियों को अगर वाटर ना रहे तो रुक जाएगा वो, तो वाटर वहां पर मीडियम देता है। दूसरा क्या करता है कि वो आपका हाइड्रोलिटिक जो आपका ब्रेकिंग होता है प्रोटीन वगैरह का, उसमें मदद करता है। ठीक है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव इंजाइम्स में जो भी आपके इंजाइम होते हैं वो सब के सब हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब वो अपना काम तभी करते हैं जब वहां पर क्या होगा, वाटर होगा। अगर वाटर ना हो तो वो अपना काम नहीं करते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है वो कई चरणों में होता है, कई स्टेप्स में होता है। कम से कम उसको 3 स्टेप में तो बांट ही सकते हैं। पहला था सिफेलिक फेज या रिफ्लेक्स, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज और तीसरा है इंटेस्टिनल फेज। पहला हम लोग आते हैं सिफेलिक फेज में। ये जो सिफेलिक फेज होता है ये आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पहला फेज होता है। इसमें आपका पारासिंपथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसके द्वारा होता है। और ये कुछ हद तक कंडीशन रिफ्लेक्स का ये भी उदाहरण है। कंडीशन रिफ्लेक्स आपको बताए थे कि एक बार आदत लगा देना। हाँ, खैनी वाले में कैसे करते लोग, किसी को बोलते चलो जो है ना लो हमारी तरफ से खैनी खाओ, वो बेचारा खैनी एक बार खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसका आदत लग गया, अब कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। अब वो खैनी कहीं भी देखेगा बेचैन हो जाएगा एकदम, ये कंडीशन रिफ्लेक्स है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स के कारण भी जो है ना यहाँ पर ये सिफेलिक फेज होता है, इसका पहला चरण है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का पहला चरण है सिफेलिक फेज। ये आपका पारासिंपथेटिक पार्ट के द्वारा होता है। इसका स्टिमुलेटरी फैक्टर क्या है, देखना,
सुनना या भोजन का टेस्ट लेना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं कई बार थोड़ा सा चख लेते हैं, ये जो है ना ये क्या करता है आपके अंदर में जो है ना वो बेचैन कर देता है। किसको बेचैन कर देता है? आपके स्टोमक के ग्लैंड को अपने सिक्रीशन को देने के लिए। तो हम फिर से बोल रहे हैं स्टिमुलेटरी जो आपका फैक्टर है उसमें साइट है, स्मेल है और टेस्ट है, इवन थिंकिंग है। तो सोच लो अभी जो माँ तिरोस्ती कर रही होगी, अभी जो माँ 2 बजे खाना खा रही होगी और खाना बनाना शुरू की 7 बजे, पालक पनीर बना रही थी, है ना, रसगुल्ला बना रही थी, या जो है ना वो आपका क्या बना रही थी, रोटी बना रही थी। अब जब वो बना रही होगी तो उसको क्या हुआ होगा, उसको देखी होगी, उसको सूंघी होगी, महसूस की होगी, तो बताओ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और वो तो अंदर जाने वाला नहीं है। तो गैस्ट्रिक जूस का ये जो सिक्रीशन का पहला जो है ना, इसको दिमाग में इस तरह से आप रखो, कैसे रखो कि ये जो है, बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस में आपका स्टिमुलस का बात कर रहे थे, जरा सोचो हा? अभी हम क्या कर रहे हैं, घर में जो ना बढ़िया सा आलू दम बना रहे हैं। अब तो आलू दम खत्म हो गया, पहले गांव में बनता था। हम जब आते थे बाहर से, पटना से जब आते थे गांव में, तो हमको याद आता है हम बहुत खुश होते थे कि आज आलू दम बनेगा, ठीक है, क्या उसका टेस्ट आता था। आज गोभी का सब्जी बनेगा, क्या टेस्ट आता था उसका। हमको लगता है शायद आजकल के वो जो रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया खाना था उससे ज्यादा बढ़िया बनता था वो, ठीक है। और वो जो है ना, सोचो जरा सा, एक माँ जो है ना बना रही है, सुबह में बनाई हो आपका 6:30-7 बजे, 6:30-7 बजे तक तैयार कर दी, बच्चों को नाश्ता देना है, आलू दम, ठीक है, पूरा धम धम करता था वो, और क्या हुआ, खुद खाएगी 2 बजे। अब बताओ उसका पेट का क्या होने वाला है, स्टोमक का क्या होने वाला है। तो खैर ये आपको हम बता रहे थे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में। स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में क्या है, भोजन के बारे में सोचना हो सकता है, भोजन का जो है ना सुगंध लेना हो सकता है, भोजन का देखना हो सकता है, ये सब के कारण आपका सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लो बारात आई नहीं है, बल्कि बारात जो है ना का बात हुआ है कि बारात आने वाली है, उसकी तैयारी शुरू हो गई। हम क्या करते हैं, जहां तहां लाइट लगाना शुरू कर देते हैं, हम क्या करते हैं, खाना पानी का व्यवस्था कर देते हैं, और बारात अभी आई नहीं है। यह पहला चरण है जिसको बोलते हैं सिफेलिक फेज। तो बारात आने के पहले की जो तैयारी की जाती है उसी को बोलते हैं क्या बाबू, सिफेलिक फेज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिफेलिक फेज क्या है, वो आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन का पहला चरण है, जो भोजन के बॉडी के अंदर आने के पहले शुरू होता है या पहले होता है, और इसके जो है ना स्टोमक को रेडी कर देता है, तैयार कर देता है भविष्य में जो भोजन आने वाले हैं उनके डाइजेशन के लिए। तो आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि सिफेलिक फेज में आपका स्टोमक सिक्रीशन शुरू कर लेता है और तैयार हो जाता है कि जो भोजन आने वाला है उसका स्वागत करना है, उसका डाइजेशन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रिक फेज। तो बारात आने के पहले की तैयारी क्या हो गई, सिफेलिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज में आते हैं। गैस्ट्रिक फेज जो है ना ये बारात आने की बात है। बारात आने का बात मतलब यहाँ पर बारात क्या है भाई, भोजन है, और कहाँ जा रहा है वो, आपका जा रहा है स्टोमक में। तो बारात अब स्टोमक में आ गई है। अभी हम क्या किए, रसगुल्ला खाए, अभी क्या किए, रोटी खाए, उसको चबाए, चबाने के बाद आपका करीब 4 से 5 सेकेंड, करीब 7 सेकेंड मैक्सिमम है लगता है आपको जाने में, कहाँ बकल कैविटी से जब हम निकलते हैं तो 4 से 7 सेकेंड लगता है करीब आपके स्टोमक में जाने में, स्टोमक में भोजन पहुंच गया। अब जब स्टोमक में भोजन पहुंच गया तो उस मतलब बारात आपके दरवाजे पर जब पहुंच गई तो उसके बाद देखिएगा तैयारी जो है ना दूसरा चरण में आ जाता है। पहला चरण में तैयारी क्या था, शांति से सब सरिया रहे थे जहां तहां, और जैसे ही बारात आ जाती है हम लोग बेचैन हो जाते हैं उसके सेवा के लिए, और ये है गैस्ट्रिक फेज। ये आपका भोजन के स्टोमक में प्रवेश करने के बाद होता है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, किससे, एपट सेल से, जो कि पाइलोरिक एंट्रम में होता है। जैसे ही आपका भोजन आता है बॉडी पर और पाइलोरिक एंट्रम पर दबाव पड़ता है, आके यहां पर जमा होता है, तो ये आपका सेकेंड फेज शुरू होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज। इसका स्टिमुलेटरी फैक्टर क्या हो गया बाबू, स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमक, ठीक है, किसके कारण, भोजन का स्टोमक में मौजूद होने के कारण।
अर्थात यहां पर ये हो गया प्रेसो रिसेप्टर दबाव के कारण। अब जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो क्या करता है, फंडिक सेल्स को या हम लोग फंडिक जो आपका सेल था उसको स्टिमुलेट करता है। फंडिक मतलब फंडिक ग्लैंड आपको बताया था जो फंडस के रीजन में था, जिसमें मेनली जो है ना ऑक्सिनेटिक सेल्स और पेराइटल सेल थे वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन शुरू कर देते हैं। तीसरा है इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज जो है ना ये रियली में होता क्या है कि ये आपका रुकने का बात है। अब जो है ना जो सिक्रीशन हो रहा था गैस्ट्रिक सिक्रीशन वो रुकेगा। ये तब रुकता है जब भोजन जो है 3-3.5 घंटे के बाद निकलकर ड्यूओडेनम में जाता है। जैसे ही स्टोमक से भोजन निकलकर ड्यूओडेनम में जाता है तो वहां पर जो है ना आपका ये तीसरा चरण जो लास्ट चरण है गैस्ट्रिक जूस निकलने का वो होता है। ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या GIP के द्वारा होता है जो ड्यूओडेनल म्यूकोसा से निकलता है, ड्यूओडेनम के म्यूकोसा से निकलता है। जब भोजन ड्यूओडेनम के दीवाल पर जाकर पहुंचता है सटता है तो वहां से ये निकल कर सीधे जो है ना गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को रोकता है और गैस्ट्रिन का सिक्रीशन जब रुक जाता है तो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है वो आपका रुक जाता है। कहां से? आपके स्टोमक से। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, तो आपको बताया हम कि गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है वो 3 चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला चरण आपको बताए थे कि पहला चरण जो है वो भोजन के अंदर आने के पहले हो जाता है, ठीक है, जिसको सिफेलिक फेज कहते हैं और यही खतरनाक फेज है महिलाओं के लिए। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, तीसरा है इंटेस्टिनल फेज। तो हम बार बार कहते हैं कि जब भी भूख लगे भर पेट मार लो, लेकिन बिना भूख का ना मारो, ठीक है। ये अगर जो है ना भूख है और नहीं मार पा रहे हैं कि 2 बजे जो है ना भगवान का पूजा करेंगे तबे मारेंगे, तो ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। और आपको हमको एक बात और नहीं समझ में आता है, ऐसे तो हमको आपके धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बात यहाँ पर चूंकि खाने का ही बात है, और एक बात जान लेना, अगर कोई भी पुरुष या महिला उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा तो कोई रोग नहीं हो सकता है। कोई भी रोग आपके बॉडी में जब प्रवेश करता है सबसे पहले कहां से प्रवेश करता है? स्टोमक से प्रवेश करता है, इंटेस्टाइन से प्रवेश करता है, मतलब एब्डोमेन से प्रवेश करता है। अगर एब्डोमेन में छेड़छाड़ नहीं होगा तो कोई रोग जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है ना कोशिश यही कीजिएगा कि हम लोग जो है ये जो उपवास वाला बात है उसको अपने समझ से करें, और ऐसे 15 दिन पर एक आध बार जो है उपवास रहना चाहिए, लेकिन पानी समय समय पर लेते रहें। उस पर पानी लेने से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा वो आपका आपका धीरे धीरे बाहर आता रहेगा। और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इवेंट, अगर पेट को बचाना है अपने आप को बचाना है। हम थोड़ा सा धार्मिक मामला पर बात आ गया था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गया तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि जरा सोचो वो भगवान आपको कहाँ से मिलेगा जिसको आप 2 बजे जो है ना बेचारा को वो क्या कर रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, मतलब भोग लगा रहे हो, खाना दे रहे हो। 2 बजे खाना दोगे तो आपके यहाँ आया हुआ एक कुत्ता जो है ना तो आपके दरवाजा पर रहता नहीं है, आपके यहाँ आया हुआ गेस्ट तो आपके घर में रुकेगा नहीं, क्या यार क्या इसके यहाँ रुके यार, 2 बजे खाना देता है। और वो भगवान जो सबका भाग लिखता है, तथा कथित भगवान जो है सबके भाग लिखने वाले हैं, और उनको आप 2 बजे भोग लगाते हो, 12 बजे खाना खिलाने जाते हो, वो कितना देर आपके यहाँ रुकेंगे? और शायद इसीलिए हमारे पूजे का फल पूरा तरह से हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे फिर से फंक्शन ऑफ स्टोमक प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमक बाल ड्यूरिंग डाइजेशन, है ना, डाइजेशन के समय स्टोमक बाल का कैसे प्रोटेक्शन होता है। हम आपको बोले कि सोचो इतना ज्यादा बढ़िया तरह से जो है ना डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो निकलता है स्टोमक का, अगर उसका बस से ले तो क्या करेगा, कुछ एक मिनटों में, बहुत घंटा भी नहीं लगेगा, कुछ एक मिनटों में पूरा का पूरा स्टोमक, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन, पूरा का पूरा एब्डोमेन और आपके बॉडी को डाइजेस्ट कर देगा वो। लेकिन सोचो हम लोग जो है ना 50 साल 100 साल तक जिंदा रहते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, तो कारण क्या है? तो आखिर कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन होगा जो स्टोमक को बचाता होगा, इंटेस्टाइन को बचाता होगा। तो स्टोमक के वाल को उसके डाइजेस्टिव इंजाइम से बचाने वाला, मुर्गा को पचा देने वाला, ठीक है, वो पूरा का पूरा साबुत चना जो है कच्चा चना को पचा देने वाला, चावल को पचा देने वाला, आपके
आंत को नहीं पचा पाता है, इंटेस्टाइन के दीवार को नहीं पचा पाता, जो कि सिर्फ मसल्स का बना होता है, पीछे हम लोग देखे थे। क्यों? तो उसके लिए तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला है कि म्यूकस का एक मोटा सा लेयर अंदर से होता है, इसलिए मकान को अगर बचाना है तो समय समय पर पेंट करते रहिए, ठीक है। अगर अगर जो है ना, आपको गांव में कहा जाता था कि अगर शरीर को मजबूत रखना है तो समय समय पर सरसों का तेल लगाते रहिए। सरसों का तेल लगाने से क्या होता है, आपका जो स्किन होता है वो आपका मजबूत होता है, वो बचता है, उसके उसके रेजिस्टेंट पावर में वृद्धि होती है, एजिंग कम होता है, मतलब कि उम्र जो है ना धीरे धीरे उसका बढ़ता है, मतलब वो टूटता धीरे धीरे है। तो ये ध्यान रखने लायक है कि जो आपका है ना वो सरसों का तेल, तो अब खैर हम लोग छोड़ दिए, अब तो क्रीम लगाते हैं लोग, और क्रीम लगा के क्रीम जैसा सब हो गए हैं। खैर, एक ठीक कोट होता है म्यूकस का, किसके, स्टोमक के इनर वाल पर। दूसरा जो होता है ना कि जो म्यूकोसा का इपिथिलियल सेल्स होता है वो सब टाइट जंक्शन में होता है, एकदम एक दूसरे से जो है ना एकदम जोर से जुड़ा होता है, और इतना जोर से जुड़ा होता है कि लीक नहीं हो पाता है गैस्ट्रिक जूस अंदर की तरफ। नहीं तो सोचो, दीवार तो मान ली कि म्यूकस इस पर है तो बच गया, लेकिन दीवार के अति से अगर जो है ना बीच में गैप रहता, दरार होता, तो क्या होता, अंदर चला जाता, और अंदर अगर चला जाता तो जिस तरह से छत आपका गिरने लगता है, डैमेज हो जाता है, उसी तरह से क्या होता है, स्टोमक का पूरा दीवार गल जाता। तो उसको बचाता कैसे है? तो